माजी मुख्यमंत्री वरिष्ठ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष 24 की 64 पर अखिलेश का चतुर्भुज प्लान। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। केसीआर की ब्रिगेड में अखिलेश की कमांडर हुंकार। हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात को नहीं छोड़ते। भाजपा के खिलाफ उत्तर दक्षिण घेराबंदी। 2024 के अंदर सारे देश को मिलके इनको उखाड़ फेंकना है और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे। थर्ड फ्रंट के मिशन मोदी घेरो का टीजर आउट। बोलो स्वतंत्र भारत की जय भारत। अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलके इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे के अदृश्य युग पर पूर्ण विराम। नमस्कार। सर्द मौसम में जहां पारा लुढ़क रहा है, वहीं दक्षिण भारत से रिलीज हुए थर्ड फ्रंट के टेलर ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। बीते 18 जनवरी को तेलंगाना के खम्मम में भारत राष्ट्र समिति के तरफ से आयोजित महारैली में 5 दलों ने अपनी शिरकत की। इससे कई सवाल खड़े हो गए और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या 2024 में मोदी और भाजपा को घेरने के लिए सभी गैर कांग्रेसी दल एक मंच पर अपने सभी मतभेदों को भुलाकर इकट्ठा होंगे। हालांकि यूपी में बसपा ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। देश के दक्षिणी हिस्से से आई इस एक तस्वीर ने बनती बिगड़ती संभावनाओं की सियासत में तीसरे मोर्चे का प्रारंभ लिख दिया है। 18 जनवरी को तेलंगाना के खम्मम में बीआरएस की अगुवाई में हुई महारैली और महारैली के मंच पर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा की मौजूदगी ने साफ कर दिया के 2024 से पहले राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे मोर्चे ने दक्षिण से दस्तक दे दी है। मतलब तीसरे मोर्चे की जो तस्वीर सिर्फ बयानों में थी, अब सामने नजर आने लगी है। अगर सूर्य उत्तरायण हुआ है तो राजनीति दक्षिण चली गई है, और उत्तरायण से अगर कोई चीज शुरू हुई है और अगर दक्षिण राजनीति शुरू कर रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव देश में आएगा और देश में एक नई सरकार होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि तीसरे मोर्चे के उत्तर दक्षिण वाली राजनीति में शामिल दलों की 2024 की भावी राजनीति में भूमिका क्या होगी, तीसरे मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा, और इन सब से आगे सवाल तीसरे मोर्चे को लेकर दूसरे क्षेत्रीय दलों के रुख का है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में खम्मन में हुई रैली में अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और केरल के सीएम के शामिल होने को तीसरे मोर्चे के ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी ये सवाल है कि क्या बिहार में जेडीयू, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके और महाराष्ट्र में एनसीपी तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे, तीसरे मोर्चे के साथ आएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा अध्यक्ष मायावती पहले ही किसी भी गठबंधन से साफ इनकार कर चुकी हैं।
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खम्मम में केसीआर की रैली और तीसरे मोर्चे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, अभी तीसरा मोर्चा बन गया है ऐसा नहीं है। हम लोगों को कहाँ कोई मतलब, हम लोग तो देख रहे हैं कि रात दिन हम लोग किस काम में लगे हुए, तो इस बीच में कोई कहीं हमको चाहे भी तो कैसे जाएंगे, तो सब कोई इशू नहीं है। ये मत समझिए कि वो कोई बन गया, कोई एक जगह बन गया है, कई दलों का ऐसा कुछ नहीं है। तो जानते ही है कि किन्हीं कोई भी आमंत्रित करते हैं तो अपने पार्टी के मीटिंग में किसी तरह का कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोग जाते रहते हैं। यहीं से सवाल उठता है, क्या तीसरा मोर्चा महज 5 राज्यों तक सिमट कर रह जाएगा या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोई अलग तस्वीर बनने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खम्मम से सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि खम्मम के मंच पर दिखे ज्यादातर नेताओं का अपने राज्य के बाहर कोई बड़ा जनाधार नहीं है। यह है कि एक नेता का दूसरे राज्य में कोई असर नहीं है। जैसे अगर आप कहें कि जो टीआरएस भारत हो गया है उसकी जगह उनका क्या असर होगा चंद्रशेखर राव का उत्तर प्रदेश में, तो केवल मैसेज का असर है, बाकी वोटों पे कोई असर नहीं है। यही हालत ममता बनर्जी का है उत्तर प्रदेश में, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो समाजवादी पार्टी का है या बीएसपी का है। ऐसे ही अखिलेश का पश्चिम बंगाल में कोई असर नहीं है, ना तमिलनाडु में कोई असर है, तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। कांग्रेस ने शायद ये मान लिया है कि दक्षिण के राज्यों में उसे अपने दम पे ही अपनी ताकत दिखानी है और बनानी है, तो ऐसे में तेलंगाना की पार्टी बीआरएस, समाजवादी पार्टी, वाम मोर्चा के कुछ दल और आम आदमी पार्टी, ये 4 बड़े घटक हैं जो कि इस तथाकथित मोर्चे के हिस्सा अभी तक बने हैं। जब तक इसमें डीएमके, टीएमसी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीएसपी आदि बड़े दल भी शामिल नहीं होते हैं, तब तक इसे एक पूरे अखिल भारत का स्वरूप मिलने में दिक्कत होगी। फिलहाल तीसरे मोर्चे की जो तस्वीर पेश की जा रही है उसे अगर लोकसभा सीटों के लिहाज से समझें तो ये आंकड़ा सिर्फ 137 का है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, पंजाब में लोकसभा की 13 सीट, केरल में 20 सीट और तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से अगर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीआरएस और वाम दल एक साथ आते हैं लेकिन विपक्ष के दूसरे गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई दल तीसरे मोर्चे का हिस्सा नहीं बनते, तो ये तीसरा मोर्चा सिर्फ 137 सीटों पर ही चुनौती दे पाएगा, जो कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं। हालांकि समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि तीसरा मोर्चा भावी सियासत में नया अध्याय लिखेगा। लोगों को, समाज को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश संविधान विरोधी सरकार को उठाकर फेंकने के लिए मौका मिलता है तो समाजवादी पार्टी इसमें कोई कोताही नहीं करेगी और सभी तरह की सहयोग, संघर्ष और कुर्बानी के लिए तैयार रहेगी। देखिए, कोई तीसरा चौथा मोर्चा बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी मोर देन हाफ, जैसा गुजरात में हुआ है वो तो उत्तर प्रदेश में होगा, आधे से ज़्यादा वोटों में अकेले हम होंगे और बाकी में चाहे जो हो जाए, और जितनी इनकी खींचालेतन होनी थी हो चुकी है। साफ है कि सपा तीसरे मोर्चे के गठन में राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर अपने लिए बेहतर भूमिका तलाश रही है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तीसरे मोर्चे में अखिलेश यादव को अहमियत क्या मिलती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 18 जनवरी को खम्मम में हुई रैली में अखिलेश यादव को काफी अहमियत दी गई और इसकी मुख्य वजह देश की राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण होना बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो फिर यही सवाल खड़ा होता है कि अगर थर्ड फ्रंट अपने वजूद में आता है, उसका भविष्य कुछ होता है, तो थर्ड फ्रंट की भावी राजनीति में यूपी के युवा और तेज तर्रार नेता अखिलेश यादव की क्या भूमिका होगी। केसीआर
गुलदस्ते के साथ अखिलेश यादव का स्वागत। फिर श्री यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में केसीआर के साथ अखिलेश यादव के बैठने की व्यवस्था, ये बताती है कि तीसरे मोर्चे में अखिलेश यादव की अहमियत क्या होने वाली है। कि उत्तर भारत के सभी राज्यों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक मजबूत ताकत बनकर उभरे हैं, क्योंकि उनके बराबर की ताकत अभी किसी अन्य उत्तर भारत के राज्य में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो या पंजाब हो, ऐसी ताकत नहीं दिखी है। ऐसे में अखिलेश यादव का एक बार सफलतापूर्वक 5 साल की सरकार चला ले जाना, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो कुछ भी काम किया, जिस तरह का एक अपनी छवि बनाई, वो सब उनके पक्ष में जाता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में यूपी की अहमियत अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं, और ये भी कि यूपी की राजनीति में उनकी अहमियत क्या है। लेकिन सबसे अच्छा नतीजा तब आया उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ी। सरकार नहीं बनी ये अलग बात है, लेकिन परिणाम के स्वरूप एक सबसे अच्छा परिणाम तभी आया। हर दल को अपने को मजबूत करना चाहिए और अपने अपने हिसाब से लड़ना चाहिए। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन लड़ाई लड़ नहीं रहा, किसको मजबूत कर रहा है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकप्रिय नेता हैं, श्रद्धेय नेता जी भी जाते थे तेलंगाना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वमान्य लोकप्रिय नेता हैं। तो तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, और आपने देखा कि जिस तरह से वहाँ पर होल्डिंग लगे, बैनर लगे, लोगों ने जिस उत्साह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश के विकास का काम किया था, जो एक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए, आज वो चारों तरफ फैल रहा है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और सपा यूपी में मुख्य विपक्षी दल है। 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 2022 में करीब 10% बढ़ा है, जबकि सीटें 64 वही हैं। हाल ही में हुए मैनपुरी संसदीय उपचुनाव में सपा को रिकॉर्ड वोट से जीत मिली। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन बनता है तो अखिलेश यादव को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीसरे मोर्चे के गठन में अखिलेश यादव की भूमिका क्या होती है। अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों में मजबूत जनाधार वाले कितने दलों को तीसरे मोर्चे से जोड़ पाते हैं, और युवा नेता के तौर पर जनता के बीच में अपनी छवि को कितना मजबूत कर पाते हैं। अखिलेश अपनी छवि के हिसाब से लोगों से मिलकर, विपक्षी नेताओं को अपनी बात सामने रखकर कितने लोगों को अपने साथ ला पाते हैं, शायद उनकी इसी मैं समझता हूँ इसी पोटेंशियल की वजह से BRS ने उन्हें अपने साथ शामिल किया है और एक मजबूत भूमिका भी दी है। देखना ये होगा कि अखिलेश यादव कितने दलों को अभी अपने साथ ला पाते हैं और एक संगठन को या तीसरे मोर्चे को और मजबूती दे पाते हैं। मतलब राष्ट्रीय राजनीति में यूपी की अहमियत तीसरे मोर्चे में समाजवादी पार्टी के लिए अहम साबित होगी, पर अखिलेश की अहमियत क्या होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि तीसरे मोर्चे के गठन में उनकी भूमिका क्या होती है, वो कितने दलों को अपने साथ जोड़ने में सफल होते हैं। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हर दल की सुबुगाहट राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े गठबंधन को बनाने में जुटी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जैसे ही तेलंगाना के खम्मम से BRS की अगुवाई में 5 दलों के नेताओं की तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, और उसकी जो प्रतिक्रिया है वो गौर करने लायक है। कांग्रेस ने कहा कि इससे तो भाजपा को फायदा ही होगा। कांग्रेस की इस दलील से सवाल खड़े होते हैं कि अगर तीसरा मोर्चा आता है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? क्या इससे गैर भाजपा दलों में और वोटर्स में बिखराव नहीं होगा? एक मंच पर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ में अखिलेश यादव की मौजूदगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत गठबंधन की कवायद में जुटी कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती।
देश की बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका अपने प्रदेश के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह से मोर्चा बनाने, रैली में शामिल होने, गठबंधन करने की चर्चा से मीडिया में सुर्खियां जरूर बनती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। देखिए, मेरा मानना यह है कि अब चाहे रैली खम्भम में हो, अभी तरह तरह की रैलियां अनेक स्थानों पे होंगी, कभी ममता बनर्जी रैली करेंगे, कभी KCR करेंगे, कभी अखिलेश जी करेंगे, कभी लालू यादव के बेटे हैं वो करेंगे। मुझे लगता है कि जो पार्टियां, पहले भी मैं कहता आया हूं, जो पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं, जो पार्टियां कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में अकंट रूप से, जिनके बारे में पूरे देश की जनता जानती है कि वो पार्टियां और उनके नेता डूबे रहे हैं, ऐसे लोग घबराहट में हमेशा एक होने की कोशिश करते हैं और ये प्रयोग पहले भी हुए। खम्मम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की महारैली से तीसरे मोर्चे के चतुर्भुज घेराबंदी का जो ट्रेलर दिखा है, उसने सिर्फ थर्ड फ्रंट के अदृश्यम युग पर ही पूर्ण विराम नहीं लगाया है, बल्कि सियासत में नए समीकरण तैयार होने का ऐलान भी कर दिया है। माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे के वजूद में आने पर भाजपा को नुकसान कम, कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होगा। हालांकि कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत गठबंधन की उम्मीद लगाए हुए है। समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आपके अन्य प्रदेशों में अन्य पार्टियां हैं, तो सब लोगों को समुद्र की तरफ तो आना ही है, चाहे आज आवें चाहे एक आध हफ्ते का साल बाद आवें, लेकिन समुद्र की तरफ तो आना ही पड़ेगा। और समुद्र कौन है इस देश में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा विश्व जानता है। दरअसल कांग्रेस 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सपा समेत 21 से ज्यादा दलों को निमंत्रण भेज चुकी है। कांग्रेस को यकीन है कि देर से ही सही उसकी अगुवाई में मजबूत गठबंधन की रूपरेखा जरूर तैयार होगी। ये पुलाव और ख्याल हर चुनाव में बनता आया है, कभी ऐसा हुआ नहीं हिंदुस्तान में तीसरा मोर्चा नामक कोई चीज नहीं। कोई यदि रैली कर रहा है और अपने मित्रों को बुला रहा है तो वो हमें तो मिलेगी, देगा ही, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। और अखिलेश जी हों या और भी गैर भाजपाई दल जो भी हैं, वो तो BJP या मोदी जी की सरकार के विरुद्ध में तो हैं, उनके साथ तो कोई है नहीं, आज BJP के साथ तो कोई दल नहीं है। उधर भाजपा का दावा है कि पहले 2019 में भी महागठबंधन की कवायद हुई थी, लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो गया। यूपी में सपा और बसपा साथ आए, लेकिन जनता ने भाजपा को चुना, इस बार भी वही होगा। और मुझे लगता है अभी तो इन सभी दलों में अपने अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए, आप देखते होंगे पहले भी, क्योंकि कौन प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इनका कोई नेतृत्व है, नेता अभी कोई तय नहीं है। देश के देवतुल्य जनता ने पहले ही राहुल गांधी जी को नकार दिया है, अखिलेश यादव को दो बार उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने नकारा है। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नेतृत्व में केंद्र में लगातार सफलतापूर्वक अपने कार्य को कर रही है, विपक्ष चाहे कितने भी गठबंधन कर ले, कितने भी आम जनमानस को भ्रमित करने की कोशिश कर ले, जनता ने अपना नेता मोदी जी को चुन लिया है और जनता ने वही रिजल्ट जनता ने मन बना लिया है, जो रिजल्ट जनता ने 14 के लोकसभा में, 19 के लोकसभा में जो रिजल्ट दिया था, वही परिणाम जनता 24 के लोकसभा में भी देगी। मतलब ये कि भाजपा को यकीन है कि PM मोदी के चेहरे पर जनता का विश्वास कायम है, जबकि कांग्रेस को भरोसा है कि राष्ट्रीय राजनीति में उसे दरकिनार कर कोई गठबंधन बन ही नहीं सकता। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में फिलहाल सपा बसपा कांग्रेस के एक साथ आने की कोई सूरत नहीं दिखाई देती है। ऐसे में अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होना तय माना जा रहा है, क्योंकि सपा बसपा और कांग्रेस तीनों की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की जाए और उसे अपने पक्ष में लाया जाए। अगर ये तीनों यानी सपा बसपा और कांग्रेस अलग अलग मैदान में उतरते हैं तो इसका नुकसान होना तय माना जा रहा है। हालांकि इससे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि ये चीजें अगर होती हैं तो इसका फायदा भाजपा को कितना होगा, ये अभी तय नहीं। सपा हो या बसपा और या फिर कांग्रेस,
मुस्लिम समाज पर सबकी नजर है और सियासत में जो सूरत बन रही है वो ऐसी तो कतई नहीं है कि सपा बसपा और कांग्रेस तीनों एक साथ एक मंच पर दिखाई दे। माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में सीधा फायदा भाजपा को होगा। इस तरह की प्रैक्टिकल वोटिंग का कोई विशेष लाभ ना मुस्लिम समुदाय को ना उनकी राजनीति करने वाले दलों को मिला है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये बिखराव अगर और आगे बढ़ता है और इस वोट को पाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस सपा और बसपा तीनों ही कोशिश कर रहे हैं इसमें भाजपा को स्पष्ट रूप से लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को सपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में सपा को मुस्लिम समाज का 79% वोट मिला, जिस पर सपा का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम समाज पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। समाजवादी पार्टी का एक एक वोट, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, साथी सब समाजवादी पार्टी के साथ। कहीं कोई वोटों का बिखराव नहीं होने वाला, बल्कि और समाज के लोग, सर्व समाज के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वोट देंगे। ज्यादा से ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। किसी भी वोटों का बिखराव नहीं होना है। हिंदू मुसलमान करके प्रदेश को देखना भारतीय जनता पार्टी का चश्मा है। भारतीय जनता पार्टी इसी प्रचार को आगे बढ़ाना चाहती है ताकि समाज को बांट के वोट ले सके। लेकिन हमारा मानना है कि देश के प्रदेश के लोग राजनीतिक एजेंडे पे, नेताओं की छवि पे वोट करते हैं और कोई भी वर्ग, जाति, धर्म का व्यक्ति मूर्ख नहीं है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि विधानसभा चुनाव के बाद बसपा की रणनीति बदली हुई है। विधानसभा चुनाव के बाद सपा की साइकिल छोड़ हाथी पर सवार हुए इमरान मसूद को बसपा ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बसपा अपनी इस रणनीति में कामयाब हो सकती है। बीजेपी से नाराज माइनॉरिटी किसी दो तीन दल को वोट नहीं करना चाहती। हालांकि अभी जिस तरह से सफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया है उससे मुझे ऐसे संकेत मिलते हैं कि बड़े पैमाने पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं शायद वो बसपा की तरफ भी देख रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर एक तथ्य ये भी है कि भाजपा पसमांदा कार्ड के जरिए मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग को साधने में जुट गई है। विधानसभा चुनाव के बाद हुए रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत को लेकर भाजपा का दावा है कि मुस्लिम समाज का मूड बदल रहा है। मुस्लिम समाज अब भाजपा से जुड़ रहा है। सारे के सारे दल मिलकर एक होकर भी लड़ जाएं, उसके बावजूद भी 80-90% स्थानों पर इनको अपनी विपक्ष के दलों को जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। आने वाले 2024 में इस तरह का जनता के अंदर एक उत्साह का वातावरण नरेंद्र मोदी जी के साथ है तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज भी, हमारी मुस्लिम बहनें हमें वोट दे रही हैं। अब धीरे धीरे जो मुस्लिम गरीब है, जो मुस्लिम जो पसमानदा समाज के लोग हैं उनको भी लगता है कि अगर हमारे साथ कोई न्याय कर सकता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं। हम उनके तरफ कार्य करते हैं, काम करते हैं और उससे उनका दिल जीतते हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में जिस प्रकार से पसमांदा मुस्लिम भाइयों और बहनों का जो रुझान हम लोग को अब दिख रहा है, उनके साथ कार्य कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी और हमारी लीडरशिप जो है विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी की, उसके लिए वो वोट डालेंगे। मुस्लिम समाज को साधने के लिए कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है। सलमान खुर्शीद सरीखे नेताओं के जरिए कांग्रेस संदेश देने में जुटी है। मुस्लिम समाज की फिक्र सिर्फ कांग्रेस को है। साफ है कि अगर कांग्रेस को दरकिनार कर तीसरा मोर्चा बनता है और बसपा सरीखे मुस्लिम समाज की रहनुमाई का दावा करने वाले क्षेत्रीय दल साथ नहीं आते तो मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होना तय है, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। फिलहाल कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत गठबंधन बनाने की कवायद में जुटी हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस अपने नेतृत्व वाले गठबंधन का ट्रेलर दिखा सकती है। हालांकि अखिलेश यादव 18 जनवरी को बीआरएस के नेतृत्व वाली महारैली में शामिल होकर कांग्रेस के गठबंधन में जाने की संभावनाओं पर पूर्ण विराम पहले ही लगा चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।